आपको के लिए पेंटिंग नहीं है, देखे जंगल में पेंट कहे गया, जंगल खड़े है देशी के लेके। देखे एक मिनट पहले वो सब बता दीजिए, कितना ही डांटता है आपस में मत बोलिए, बैठ जाइए नीचे, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए नीचे, बैठ जाइए। सुनो भाई सुनो, नीचे बैठ जाइए, आपस की चर्चा बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दो, जो बैठेगा वो सुनेगा, जो नहीं बैठेगा उसके कान भरे हो जाएंगे। आपको बैठेंगे तो ये लता तो पहले बैठ गई, उसको पहला नहीं होना है। ये देखो पर, इधर देखो पर। ये गढ़ वंश कितने किलो का होगा आप ही बताइए, ये वंश कितने किलो का होगा, कितना 18 किलो 45 प्लस है ना। अब रासायनिक में क्या होता है, इतना वंश है तो क्या लगाते हैं, लगाते हैं या है, माँ को बच्चा भारी नहीं पड़ता, इतनी ताकत आती है इसमें, नंबर एक। अब जब एक नया पत्ता आएगा केले को या गन्ने को, उस समय सबसे नीचे का पत्ता पीला पड़ता है, क्या होता है आपस में मत बोलिए, जब नया पत्ता उखड़ आता है केले का या गन्ने का, तो सबसे नीचे का पत्ता क्या होता है पीला पत्ता, और पीला पत्ते में से जड़े नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेश और मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, उठाती है और कहाँ इकट्ठा करते हैं, जड़ों में, किसके लिए, अगले पीढ़ी के लिए, रखना ना रटून के लिए, अगले पीढ़ी के लिए। अब बाद में पत्ता सूख जाता है, बाद में क्या होता है पत्ता सूख जाता है, पत्ते का नाइट्रोजन चला गया, फॉस्फेट प्रोटीन चला गया, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट उसमें है, माइक्रो न्यूट्रिएंट खनिज उसमें है, उसमें कॉपर भी है, जिंक भी है, सब कुछ है, मॉलिब्डेनम बोरान सब कुछ है, अरे सूखा पत्ता खनिज तत्वों का क्या है भंडार। जब नए पत्ते को कॉपर नहीं मिलेगा भूमि से, समझिए कुछ कारण से भूमि से कॉपर नहीं मिला या जिंक नहीं मिला या बोरॉन नहीं मिला या सिलिकॉन नहीं मिला, तो क्या करता है नया पत्ता काये में से लेता है, सूखे पत्ते से लेता है, रिजर्व है, रिजर्व बैंक है। इसका मतलब है अगर आप सूखा पत्ता काटोगे तो नए पत्ते को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसका मतलब है सूखा पत्ता काटना नहीं। समझ में आ गया। नंबर दो, ये जो हरा पत्ता है ऐसे चौड़े लंबे पत्ते रासायनिक में दिखाइए, ठीक है, ये केले का पत्ता आप बिछाइए, एक फीट चौड़ा, एक फीट लंबा, एक वर्ग फीट, एक दिन में 4.5 ग्राम खाद्य निर्मित करता है पत्ता, कितना करता है 4.5, उसमें से 2.25 ग्राम हमें ये वंश मिलता है, बाय मीन्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 1 square feet लीफ सरफेस एरिया ऑफ बनाना मैन्युफैक्चर 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रॉ शुगर, थ्रू डेट 4.5 ग्राम रॉ शुगर वी गेट 2.25 ग्राम ऑफ द बंच वेट। इसका मतलब है ये पेट पर जितने हरे पत्ते रहेंगे उतने ही उपज बढ़ेगा, है ना। अब क्या करते हैं, हरे पत्ते काटते हैं, एक हरा पत्ता काटते हैं, काटा उत्पादन घटा की बढ़ा, घटा, तो हरा पत्ता भी काटना है नहीं है, खाना पकाने के लिए काटने वाले बहुत है, पूजा के लिए काटते ही हैं। किसने कहा, कौन सी गीता में लिखा है पूजा के लिए पत्ता चाहिए, कौन सी गीता में लिखा है मुझे दिखाइए, ये पंडितों के दिमाग है, ये पंडितों के दिमाग है, हमारा नहीं है, ये पंडितों के दिमाग है। तो प्रकृति में कभी भी दोहन नहीं है, शोषण नहीं है, सहजीवन है, सिम्बायोसिस इन द नेचर,
देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन होता तो वहां सब्जियां है, दूब है यानी दूब है, उतना बढ़ता गया नहीं, लेकिन बहुत बलवान है। इसका मतलब है कि ये जो हम कर रहे हैं कि हरे पत्ते में केले के खाना चाहिए, ये गलत है। और क्या करते हैं, हरे पत्ता खाने के बाद तो भोजन करने के बाद कहाँ डालते हैं, कचरे में। अगर ये हरा पत्ता वो कचरे में जा रहा है, उसको सुखाया या आचरण किया तो क्या हो गया, ह्यूमस बन गया। और ह्यूमस में से इसको क्या मिल गया, खाद्य मिल गया। इसका मतलब है मुख्य फसल हो या अंतर फसल, मे बी मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप्स, इट इज वेरी एसेंशियल टू कट डाउन द डेड बॉडीज और ड्राइड बॉडीज एंड यूज एज ए मल्चिंग। अपना मुख्य फसल हो या अंतर फसल, अपनी आयु समाप्ति के बाद सूख जाती है तब उसको काटना नहीं, फेंकना नहीं है, यही आच्छादन करना है। क्या करना है, नंबर एक। जब नया पेड़ है, वो देखो नया पेड़ है ना, जब तक उसको फूल बाहर नहीं पड़ता, कमल क्या बोलते हैं आप उसको, फूल कमल क्या बोलते हैं आप, फूल केड़फूल, तब नीचे के सारे बच्चों को काटना है। बच्चे आते हैं ना टीलर, तो वहां आचरण करना है, आचरण करना है तो क्या करेंगे, वो बढ़ने लगे तो नमी खींचे, अभी सूरज की भी करेंगे काटना है, आचरण करना, आचरण करने से ह्यूमस बन गए। जिस दिन बन फूलेगा, जिस दिशा में फूलेगा उसके विरुद्ध दिशा का एक पीड़ना है, एक बच्चा है, काय के लिए बढ़ने के, बाकी का ये दिशा में अभी फूल गिरा है तो रखना है दिशा का, विरुद्ध दिशा का पहले साल। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे ये माता अपना आकार घटाएगी। वंश कट गया, ये माता खड़ा है, इसको काटते हो, फेंक देते हो, काटना ना पाप है। वंश ही काटने के बाद माता काटना वो ऐसे ले लेना है, माँ पाप है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा यह आकार घटाएगी, अपना जो खाद्य शरीर इसको खिलाएगी, निरंतर। जब तक बच्चे को फूल नहीं लगता तब तक माता खिलाती रहती, बच्चे को फूल लगता बिल्कुल कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती, एकदम सिकुड़ जाती है और नीचे गिरती है, नीचे गिरती है तो आचरण का काम करती है। अरे मरने के पहले क्या करती है, बच्चों को खिलाती है, मरने के बाद भी आचरण, अरे वो मदद ही करती है। तो कभी भी वंश काटने के बाद एक खोट तना काटना, पेड़ काटना नहीं है, है। वो अपने आचरण के लिए आचरण का काम करेगा। तो ये सारी प्राकृतिक व्यवस्था है। अब मुझे बताइए कि ये तीसरा अरे तीसरा फसल है, एक बार पहला क्रॉप लिया, पहला क्रॉप ले लिया, तीसरा क्रॉप कटाई, पूरे साल कटाई चलती है, पूरे साल कटाई चलती है। इसका मतलब है आपने देखा कि वो केला ही केला है, तम्बाकू है ना, तम्बाकू केला बहुत टाइम में लगता है, अभी वो बताएंगे आपको, वो बताएंगे अभी हम।